नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरू मंत्रा से। आज हम बात करने वाले हैं अपने प्राणमय कोश के बारे में। आप जानते हैं हमारे पांच कोश हैं, जैसे कि हमारा स्थूल शरीर जिसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब जो प्राणमय कोश है इसको हम लोग कॉमनली ह्यूमन ऑरा या एनर्जी फील्ड भी बोलते हैं, और आजकल तो कुछ स्पेशल कैमराज हैं या ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम इस एनर्जी फील्ड को मेजर कर सकते हैं, इसको कर्लियन फोटोग्राफी बोलते हैं। तो जो ये हमारा ऑरा मंडल है, जो हमारा आभा मंडल है, ये एक रिकॉर्डर की तरह है। आप मान लो किसी से मिलते हो और वो व्यक्ति बहुत खुश है तो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो कैच कर लेता है और उसको कैरी करता है, और आप हैरान होते हो कि उस व्यक्ति से मिला और उसको मिलने के बाद बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। क्यों मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बदल गई है, आपकी एनर्जी फील्ड की वो पॉजिटिवली वाइब्रेट करने लगा है। इतना आप किसी से मिलते हैं, वो व्यक्ति बड़ा दुखी है तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो नीचे हो जाती हैं और आप बहुत दुखी महसूस करते हैं, आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं। नाउ कुछ जगहों पे आप विजिट करते हैं, मान लो आप किसी मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जो बहुत अपलिफ्टिंग वाइब्रेशंस है वहां पे, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, और वहां जाने के बाद आप अचानक बहुत खुश महसूस करते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी एनर्जी फील्ड में जाके वाइब्रेट कर रही हैं। ऐसे आप कुछ ऐसी जगह में जाते हैं जहां पर लोग खुश नहीं, जैसे कोई प्रिजन है, जेल है, या कोई डिप्रेसिंग जगह है, या कोई क्लब है जहां पर मार झगड़ लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, या कुछ घर जिनमें आपस में कॉन्स्टेंट लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहां जाते ही आप अनईजी फील करते हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आप अपने एनर्जी फील्ड में फील कर पाते हैं। इसका मतलब ये कि आसपास की जो घटनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो घटनाएं आपके एनर्जी फील्ड में, आपके ऑरा में, आपके प्राणमय कोश में छाप छोड़ देती हैं और उसको आप कैरी करते हैं। अगर आप कभी दुखी हैं या कुछ नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं तो उसका असर भी आपके एनर्जी फील्ड पर आता है। आपने कभी देखा होगा आप उदास हैं और बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, और कोई आपका दोस्त या जाने वाला आता है आपके पास, बैठता और बोलता है आप उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो, और आपने कुछ बोला भी नहीं उसको, फिर भी वो महसूस कर लेता है, तो आपको हैरानगी होती है इसको कैसे मालूम कि मैं खुश नहीं हूँ और मैं दुखी हूँ, क्योंकि वो आपकी एनर्जी फील्ड को सेंस कर रहा है। खास करके अगर आपकी मदर है या कोई आपको बहुत प्यार करता है, वो बहुत जल्दी समझ जाएगा जब आप खुश नहीं हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। आपने देखा होगा खास करके जिन बच्चों के पेरेंट्स, मदर फादर उनके पास आते हैं, या कोई जानने वाला आता है जिनको बहुत अच्छे से प्यार करता है, तो वो एकदम बोलेगा आपको, क्या हो रहा है आपके साथ, व्हाई आर यू अपसेट, व्हाट इज हैपनिंग, दे ट्राई, बिकॉज वो आपके साथ डीपली कनेक्टेड एंड दे कैन फील योर एनर्जी फील्ड वेरी इजीली। वो आपके ऑरा मंडल को, आभा मंडल को बहुत जल्दी से समझ पाते हैं। फ्रेंड्स, आपका एनर्जी फील्ड अगर पॉजिटिव नहीं है तो अपने जीवन में आप बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस, मिसफॉर्चून, एक्सीडेंट्स अपनी तरफ खींचते हैं और ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने एनर्जी फील्ड को कॉन्स्टेंटली साफ रखें, क्लियर करें, पॉजिटिव थॉट्स को लाएं, ताकि गुड फॉर्चून, सक्सेस एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स कम अराउंड यू और पॉजिटिव लोग आपके साथ जुड़ें। इस बात को आप ध्यान में रखें। नाउ ये सब समझते हुए, देखते हुए, करना तो है पर करें कैसे, इसके लिए हमने गाइडेड मेडिटेशन तैयार किया, जो हम आपको सिखा रहे हैं कि अपने आभा मंडल को, ऑरा को, प्राणमय कोश को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव एनर्जीज। इन सब नेगेटिव एनर्जी से अपने ऑरा मंडल को हम कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, कैसे उसको हम दोबारा से क्लीन कर सकते हैं, ताकि हम हेल्दी रह सकें, गुड लक को अट्रैक्ट करें एंड पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ लेके आए। तो उसको देखना ना भूलें, उसका लिंक हम आपसे शेयर कर रहे हैं अबव of this guided meditation, how to clean your energy field. Thank you.